लाहौर प्रेस क्लब के सामने पीपल्स पार्टी के जियालों ने बजट और आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कारकुनों ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जियालों ने लाहौर 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है। हर चीज पर टैक्स, गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ। सुबह से ना चाय मिली है, ना खाना मिला, ना दोपहर की रोटी, ना शाम की रोटी, भूखे मर रहे हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, महंगाई ने मार दिया, ना पैसे हमारे पास हैं। जब से हुकूमत आई, इन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क कर रहा दिया है। लोग दुआएं कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं हुकूमत को कि या अल्लाह हुकूमत जल्दी फतह कर। ये क्या मतलब जालिम जाबर मतलब हुक्मरान है, ना इन्हें अवाम की परवाह है, ना इन्हें गरीबों की परवाह है। जालमाना बजट देकर उन्होंने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। हम इसके खिलाफ निकले हैं। इंशाल्लाह ताला बजट हम पास नहीं होने देंगे और इस हुकूमत को हम इंशाल्लाह ताला जल्दी जल्दी इसको फारग करेंगे हुकूमत को। पीपल्स पार्टी की जियाली कारकुन नूरीन सियाल का कहना था कि ये जो इन्होंने बजट पेश किया, गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया उसमें आपने देखा उन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। इन्होंने इमरान खान ने कहा था कि मैं एजुकेशन पे और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बजट रखूँगा, लेकिन उन्होंने उस पर उस तरफ उसकी नज़र ही नहीं गई और आवाम को उन्होंने MF के हवाले कर दिया है। और दूसरा, हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि उन्होंने अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए हैं जरदारी साहब के और फरियाल साहबा को, और जरदारी साहब को जिन्होंने अरेस्ट किया है उसका हम भरपूर तरीके से एहतजाज करते हैं। ये नैब गर्दी नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी के दीगर कारकुनान ने भी मौजूदा हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रहमान रहीम, ये जो मुल्क दुश्मन बजट इन्होंने दिया है, ये जो जालमाना बजट है, इसके खिलाफ और ये नैब गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पर निकल आई है। और ये जालमाना बजट ही इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। लोगों को इस तरह पिसा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब आवाम के साथ है। आटा महंगा है, बिजली महंगी है, सब्जी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। पाकिस्तानी आवाम को हम मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो ये जालमाना बजट हम लोगों को मार देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के साथ है और इन जालमाना बजट के खिलाफ है, और यही बजट इस हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम को बचाना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में आवाम की नुमाइंदा जमात है। जो आटा महंगा, दाल महंगी, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है, मुझे बताएं कि गरीब आदमी को इसने क्या रिलीफ दिया। मेडिसन जो है, गरीब बंदा तो अब अपना इलाज नहीं करवा सकता। गरीब बंदा सरकारी हॉस्पिटल में जाता है कि सिर्फ उसको वहाँ पे फ्री इलाज होगा, लेकिन इसने दवाइयाँ महंगी, दवाइयाँ भी ख़त्म, और जो टेस्ट थे उन पे भी इन्होंने फीस मुकर्रर कर दी। मुझे बताएं कि ये गरीब बंदा कहाँ जाएगा? गरीब बंदा तो मर जाएगा, रोटी के हाथों, दवाइयों के हाथों। इसलिए इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसके पास कोई सलूशन नहीं है और ये इसका अंजाम जो है दुनिया देखेगी। अपने कैद की आवाज़ पे लाबैक करते हुए इन जवानों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। इन पीपल्स पार्टी के जवानों का कहना है कि हम अपने कैद की जबान के ऊपर लाबैक करते हुए अपनी जान देने से भी ग्रेज नहीं करेंगे। हम बजट मंजूर होने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन खुर्रम अयाज के साथ सबा शेख, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।